प्रश्न क्रमांक 12 का पहला प्रश्न है, कॉस 45 अंश प्लस ए प्लस कॉस 45 अंश माइनस ए बराबर सिद्ध करके लाना है, अंडर रूट 2 कॉस ए सिद्ध करके लाना है। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चलेंगे और कॉस का सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता होगा, तो कॉस का हम सूत्र लगा देते हैं। तो कॉस 45 अंश इंटू कॉस ए, फिर प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद साइन 45 अंश फिर साइन ए, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ये सूत्र है कॉस का। फिर यहाँ पे देखो फिर से कॉस आया है, कॉस 45 अंश माइनस ए का अब सूत्र लगाएंगे, और यहाँ पे क्या है प्लस है ना, प्लस लगा दो, इसके बाद लिखो फिर कॉस 45 अंश इंटू कॉस ए माई, यहाँ पे क्या है माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा, है ना, फिर साइन 45 अंश और साइन ए। अब यहाँ पे देखो जो सेम है ना उसको काट देना है, ठीक है, और उनके चिन्ह में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होने चाहिए प्लस और माइनस में, तभी वो कट पाएगा। तो देखो कॉस 45 अंश कॉस ए, ये भी कॉस 45 अंश कॉस ए है, तो ये दोनों तो सेम है लेकिन ये दोनों के चिन्ह क्या है एक जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो इनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 2 कॉस 45 अंश कॉस ए हो जाएगा। अब इसको देखो साइन 45 अंश साइन ए, साइन 45 अंश साइन ए, एक प्लस में है और एक माइनस में, इसलिए ये कट गया, बचेगा क्या सिर्फ ये बस। ठीक है, 2 कॉस 45 अंश का मान आपको पता है, त्रिकोणमिति सारणी से लिख लेते हैं, एक अपान करनी 2 होता है कॉस 45 अंश का मान, और ये रहा कॉस ए। इस 2 को और कैसे लिख सकते हैं, करनी 2 इंटू करनी 2, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस 2 को, ठीक है, फिर गुणित 1 अपान करनी 2, ये और ये कट गया, और बचा क्या, बचा है वो है करनी 2 कॉस ए, और यही हमें क्या करके लाना था, सिद्ध करके लाना था। हमारा उत्तर क्या है, करनी 2 कॉस ए हमारा उत्तर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न, कॉस 30 अंश माइनस ए दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे है प्लस कॉस 30 अंश प्लस ए, और सिद्ध करके लाना है आपको करनी 3 कॉस ए सिद्ध करके लाना है। ये प्रश्न मैं आपको बना के नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया है वैसा ही सेम टू सेम ये भी हल होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग खुद बना लेना इस प्रश्न को, डायरेक्ट चलते हैं तीसरा प्रश्न भी। ठीक, ये प्रश्न आप लोग बना के देखना, बस सूत्र लगाना है, आसानी से बन जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो, साइन 30 अंश प्लस थीटा बराबर 1/2 कॉस थीटा प्लस करनी 3 साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं, तो इसका सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र क्या होता है साइन का, साइन का होता है साइन 30 अंश इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, फिर यहाँ पे फिर साइन लिखेंगे थीटा इंटू कॉस 30 अंश। ठीक है, यही सूत्र रहेगा, देख लो साइन और साइन, तो देखो यहाँ पे जो साइन है वो 30 अंश में और यहाँ पे साइन है वो थीटा में है, यहाँ पे कॉस थीटा में है और यहाँ पे साइन किस में है 30 अंश में है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि कोई भी कंडीशन में दोनों मान 2 बार नहीं लिखाना चाहिए, ठीक है, सिर्फ 1 बार होना चाहिए। 30 अंश 1 बार है साइन में, तो देखो साइन में 1 बार थीटा है ना, कॉस थीटा है तो साइन में भी क्या है 30 अंश 1 बार है, सभी एक एक बार है। ठीक, इस तरीके से आपको सूत्र को याद कर लेना है। चलो अब इनके मानों को रख देते हैं, तो इसका मान होता है साइन का 30 अंश में 1/2 होता है, फिर कॉस थीटा प्लस साइन इसका होता है 1/3/2 होता है। ठीक है, अब नीचे में देखो दोनों के हर क्या है सेम है और दोनों पद में है ना, तो दोनों पद में है तो क्या करेंगे उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो 1/2 को मैंने क्या कर लिया उभयनिष्ठ निकाल लिया। ठीक है,
उसके बाद दो जो बचा है उसको लिख लेते हैं कॉस थीटा प्लस कर्णी तीन को आगे लिख लेते हैं और ये साइन थीटा इस तरीके से। और यही हमें क्या करके लाना था, सिद्ध करके लाना था। तो ये हमारा क्या है, तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, ये समझ में आया। चलो अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है साइन थीटा प्लस साइन 2π/3 प्लस थीटा प्लस फिर से साइन है और इस बार 4π/3 प्लस थीटा दिया हुआ है और सिद्ध करके लाना है 0। तो देखो ये साइन थीटा है जैसा ही वैसा रहेगा, ठीक है, फिर प्लस, और ये जो साइन दिया हुआ है ना 2π/3 दिया हुआ है, तो 2 और ये कितना है, पाई का मान 180 अंश है ना। तो क्या होगा, 180 को अगर 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 60 आएगा। बिल्कुल, 3 से भाग चला जाएगा तो 60 आएगा, 60 और गुणी 2 करो कितना होगा, 120। तो ये हो गया साइन 120 अंश प्लस ये थीटा जैसा वैसा उतार देंगे, ठीक है, प्लस साइन ये पाई को 3 से फिर भाग देंगे कितना होगा, 60, और फिर यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया हुआ है ना, तो 6 चौक कितना हो गया, 24, तो 240 आ जाएगा। तो ये हो गया 240 प्लस थीटा बराबर, नहीं हमें तो 0 सीध करके लाना है, बस लेफ्ट हैंड साइड बस को लिखो। तो ये रहा साइन थीटा प्लस, इसको और कैसे लिख सकते हैं, साइन 120 को। तो देखो साइन 120 को हम लिख सकते हैं, साइन बड़ा में लिख दो 180 अंश, माइनस लगा देना है, ठीक है, माइनस 180 है, 120 कब प्राप्त होगा, जब हम 180 में 60 घटाएंगे, तो ये रहा मैंने 60 घटा दिया है ना, और ये दोनों मान किस में, प्लस में है, तो मैं किस में लिखूंगा, ये जो है ये माइनस में लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। देखो जब मैं माइनस का अंदर गुणा करूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा 60, और 60 को 180 से घटाओगे कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो ये जो लिखने के तरीके का जो हमने उपयोग किया है वो इसी फॉर्म को रख देखते हुए हमने किया है। अगर हम वापस इसको पाना चाहें तो हम इसको हल करके इसको वापस पा सकते हैं, ठीक है, फिर प्लस फिर साइन, इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। ये 180 से कितना अधिक है, तो 180 अंश से कितना अधिक है, 60, ठीक है, प्लस लगा है और ये पहले से प्लस है, तो जैसा है वैसा इसको आप लिख देते हैं, ठीक है। देखो इन दोनों को जोड़े गए तो 260 आएगा, 240 आएगा, और फिर थीटा और थीटा ना, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। चलो अब सूत्र लगाने वाले हैं, थोड़ा सा इसे हल कर लेते हैं। देखो साइन का 180 अंश थीटा में क्या होता है, साइन 180 अंश माइनस थीटा क्या होगा, साइन का साइन में ही होता है ना, तो हम क्या करेंगे, साइन का साइन में लिखेंगे। और आपको पता होगा कि 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में मान प्लस में आता है, तो साइन का एक तो साइन ही रहेगा 180 में, और ये जो मान है वो क्या है, 60 माइनस थीटा है ना, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। फिर प्लस साइन 180 है, इस बार प्लस है, तो प्लस है तो किस में होगा, इस बार का मान, इस बार का मान होगा ये माइनस में होगा, मैं डायरेक्ट माइनस लिख लेता हूँ आगे में, ठीक है, माइनस साइन 60 अंश प्लस थीटा, साइन थीटा प्लस इसका सूत्र होता है साइन 60 अंश इंटू कॉस थीटा, माइनस है माइनस लगा देंगे, फिर साइन थीटा इंटू कॉस 60 अंश, फिर यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो माइनस को मैं इस तरीके से लिख लूंगा, उसके बाद कोष्टक के अंदर में लिखूंगा, क्योंकि माइनस लगा है इसलिए, अगर प्लस होता तो मैं डायरेक्ट बिना कोष्टक के लिखता, लेकिन माइनस लगा है तो क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन होता ही होता है, इसलिए उसे कोष्टक में लिखना ज्यादा आसान होता है। साइन 60 अंश इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस लगा देंगे, फिर साइन थीटा कॉस 60 अंश इस तरीके से। अब जमा के लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस साइन
साइन 60 अंश कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस 60 अंश, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, प्लस है और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा साइन 60 अंश और कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस है, ये क्या हो जाएगा गुणा होके प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा ना ये भी, तो साइन थीटा और कॉस 60 अंश। ठीक, अब जो जो कट रहा है उसको कटा देते हैं, तो देखते हैं कौन कौन सा कट रहा है भाई। तो देखो साइन थीटा कॉस 60 अंश कहाँ पे है, साइन थीटा और कॉस 60 अंश ये दोनों माइनस में, ये नहीं कटेगा, साइन 60 अंश कॉस थीटा, साइन 60 अंश कॉस थीटा ये कट रहा है, इसको कटा देते हैं। ठीक है, तो कटा दिए, अब यहाँ पे क्या है साइन थीटा है और ये दोनों क्या है माइनस में है, तो माइनस में लिख कर दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो दो साइन थीटा कॉस 60 अंश इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, फिर साइन थीटा माइनस दो साइन थीटा और इसका कितना होता है कॉस 60 अंश का मान होता है एक अपान दो होता है ना, तो एक अपान दो, दो और दो ये कट गया। ठीक है, बचा क्या साइन थीटा प्लस में और माइनस में साइन थीटा, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, ये दोनों कटने के बाद अंत में ये भी और ये भी कट जाएगा, मतलब ये दोनों पूरा कटने के बाद कितना प्राप्त होगा सिर्फ जीरो प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब कटने का मतलब है घट गया समझो, ये दोनों पहले कटा, कटाने के बाद साइन और साइन थीटा बस बचेगा एक प्लस और माइनस में, तो दोनों को घटाएंगे कितना प्राप्त होगा जीरो, तो यही हमें क्या करके लाना था सिद्ध करके लाना था, देखो जीरो प्राप्त हुआ। ठीक, ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, चलो अगला देखते हैं। अब के जो प्रश्न है वो तो और ज्यादा सरल है, मैं आपको बताता हूँ, देखो पांचवा प्रश्न, कॉस 47 अंश और कॉस 13 अंश माइनस क्या रहेगा, साइन में रहेगा, आपको पता है कि एक सूत्र है ये 47 अंश है और साइन 13 अंश बराबर, सिद्ध करके लाना है एक अपान दो लाना है। ठीक है, ये किस फॉर्म में है, सूत्र के फॉर्म में, तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है जिससे सूत्र बनता है वो कौन सा रूप है, कॉस का है ना, तो कॉस 47 अंश, यहाँ पे प्लस है माइनस इसलिए प्लस लगा देंगे और फिर 13 इस तरीके से, फिर कॉस इन दोनों को जोड़ दो, 7 × 3 = 10 का शून्य हासिल आई 1, 4 और 5 और 1 हासिल करिए कितना होगा 6, तो इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा दूर हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस 60 अंश। ठीक है, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/2 और यही हमें क्या करके लाना था सीध करके लाना था, तो ये क्या है इस प्रश्न का उत्तर है, देखो बहुत सरल था। चलो अब इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सभी को आपको खुद बना के देखना है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो इस बार साइन में है ना, साइन 78 अंश है और ये कॉस कितना है 18, दोनों को क्या करना है जोड़ना है, जोड़ने के बाद आ जाएगा ना कॉस 78 अंश और साइन 18 अंश, सिद्ध करके लाना है करनी 3/2, बस साइन के फॉर्म में रख देना, कैसे साइन 78 अंश और यहाँ पे माइनस है इसलिए इस तरीके से, घटाओगे कितना हो जाएगा साइन 60 अंश आ जाएगा ना, घटाओगे तो साइन 60 अंश आएगा और इसका मान कितना होता है, इतना होता है बिल्कुल। देखो ज़्यादा लंबा चौड़ा हल करने की आवश्यकता नहीं, देखो मैंने शॉर्टकट करके ऐसे ही आपको बता दिया है ना। चलो अगला देखते हैं, देखो इस बार का प्रश्न है कॉस 47 अंश और कॉस, ये फिर से रिपीट हो रहा है क्या, हाँ रिपीट हो रहा है, सातवां प्रश्न सेम टू सेम, हटा दो क्योंकि सेम टू सेम ये प्रश्न जो है और ये प्रश्न जो सातवां है वो सेम था, तो मैं हटा रहा हूँ इसको, मैं डायरेक्ट आठवां प्रश्न ले लेता हूँ। ठीक है, आठवां प्रश्न पे चलते हैं, आठवां प्रश्न है साइन 36 अंश और कॉस 9 अंश प्लस कॉस 36 अंश और साइन 9 अंश बराबर 1/2 रहेगा। ठीक है, क्या होगा साइन का बस सूत्र लगा देना है, तो ये दोनों मान क्या है प्लस में, मतलब साइन के मान में जुड़ जाएगा 36 और 9 कितना हो जाए 45, तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है ना, तो इस तरीके से 1/2 आसानी से आप ला सकते हो। इसके बाद नौवां प्रश्न देखते हैं,
कॉस 80 अंश, और ये भी कॉस में है 20 अंश, फिर प्लस साइन 80 अंश और ये साइन 20 अंश, इसके बराबर 1/2 सिद्ध करके लाना है। ठीक है, करना क्या है इसमें देख लो, ये कॉस कॉस है मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस, मतलब इसके जगह पे सूत्र में क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो कॉस 80 में 20 घटाओ कितना आएगा 60 आ जाएगा, तो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है ना, आसानी से निकल जाएगा ना। चलो इसके बाद देख लेते हैं 10वां प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है। देखो इसमें बहुत सारे प्रश्न है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है ना प्रश्न, इसलिए पूरे को हल करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ को आपको बस प्रैक्टिस करना है और कुछ को आपको समझना है। कॉस प्लस थीटा, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर कॉस 60 अंश माइनस थीटा इंटू साइन, ये भी सूत्र है देखो, साइन 30 अंश प्लस थीटा, इसके बराबर हमें सिद्ध करके क्या लाना है, सिद्ध करके लाना है 1, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो 1। ठीक है, सिद्ध करके लाना है 1, तो इसका भी सूत्र होता है पता है कि ये किस फॉर्म में है, साइन कॉस कॉस साइन, मतलब ये साइन का सूत्र है, तो साइन साइन का सूत्र है ना, तो साइन बड़ा कोष्ठक ले लेते हैं, ये क्या है 60 अंश माइनस थीटा दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे क्या लगा प्लस, मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 30 अंश प्लस थीटा, देखो इस तरीके से, फिर साइन सभी से कोष्ठक अब हटा देते हैं, 30 अंश प्लस 6, साइन 60 और 30 कितना होगा, ये थीटा है 90 है ना, तो 90 अंश माइनस थीटा इस तरीके से, तो ये हो गया साइन 90 अंश, सिर्फ यहाँ पे 90 अंश होना चाहिए, ये तो मैंने कटाया नहीं है ना, कटा देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ 90 अंश बस हो जाएगा, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, और 1 हमें क्या करके लाना सिद्ध करके लाना था, तो राइट हैंड साइड क्या हुआ सिद्ध हुआ। देखो कितना आसानी से मैंने इन सारे प्रश्नों को बना दिया और आपको समझा भी दिया। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही सरल है पर इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, तो सबको तो बनाया नहीं जा सकता, अगर मैं सबको बनाते रहूंगा तो बस समय की बर्बादी होगा और वो प्रश्न आप आसानी से बना भी लोगे, इसलिए कुछ ही प्रश्नों को इसमें समझाने की आवश्यकता था, बाकी प्रश्न आपको ऑटोमेटिकली सूत्र के माध्यम से बनाना है और वो बन भी जाएगा।